पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को ना इस टाइम के ऊपर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर किसी एक बंदे की वीडियो देखनी पड़ जाए तो मैं रेकमेंड करूँगा सरोज देवी का ANI को जाकर इंटरव्यू देख लें। सर, वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स लाइक सरोज देवी। अब आप पूछेंगे कि यार सरोज देवी कौन है? सरकार, सरोज देवी अपना नीरज चोपड़ा की वालिदा हैं, मम्मी जी हैं। टिपिकल हरियाणा वुमन, ओए होए होए होए। हरियाणवी सुनिए कभी तुम लोगों ने? मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, इंडियंस तो सुन ही लेते होंगे। हरियाणवी जो है ना, वन ऑफ माई फेवरेट लैंग्वेजेस है वो। मतलब उसमें आप हाल भी पूछो ना तो ऐसे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि तूने मुझसे पैसे लिए थे, वापस कब करेगा। वो इतनी कोई नेक्स्ट लेवल की लैंग्वेज है। और उन्होंने, सरोज देवी ने बेसिकली अरशद नदीम के बारे में क्या कहा है वो सुनो ज़रा। और इसकी एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है? ये इस तरीके से एक इंडियन पाकिस्तानी से प्यार कर रहा है, और किस तरीके से एक इंडियन फैमिली एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार भी करती है और उसको डिफेंड भी किया, उसको भैंस की आँख ग्रोसरी वालों टोक्यो ओलंपिक्स में डिफेंड किया। आपको ये स्टोरी तो पता ही नहीं होगी, मैं बताता हूँ। सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद, जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है, मैं खुश हूँ। मैं अरशद के लिए भी खुश हूँ, मैं नीरज के लिए भी खुश हूँ। हमारे बीच में इस किस्म का कोई नहीं है कि नीरज है वो नहीं जीत सका तो आंसू बहाना शुरू कर दो, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, अपने अपने बहाने भी लगा रहे हैं ईच एंड एवरी थिंग। अरशद ने भाई साहब जिसे कहते हैं ना कगर खोल के रख दिया है सबका। ओलंपिक्स की तारीख में इंडियन फैंस का मैंने पढ़ा है, उनमें से एक ने लिखा हुआ था, मैं अपने मुंह से तस्लीम करता हूं कि ओलंपिक्स की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट मैंने आज अपनी ज़िंदगी में देखा है, उस लड़के ने लिखा हुआ। और कहता है कि मैं एथलेटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, कहता मैंने ऐसी चैम्पियनशिप नहीं देखी, ऐसा मुकाबला नहीं देखा, ये जो जेवलिन थ्रो में हुआ है कि एक 92.97 की दूसरी मारता है और आखिरी जाते हुए भी 90 प्लस की मार गया। हालांकि आखिर में आकर एथलीट्स रह जाते हैं, जारी बात है सारी जान तो लग गई होती है ना पहले दो तीन थ्रोज में, तो ये चौथी पांचवी में उनके अंदर इतना फ्यूल नहीं बचता। वो जने का बच्चा मियां चन्नू का पहलवान, सरकार, उसने 90+ की 91 समथिंग की आखिरी थ्रो फेंकी है। अच्छा, तो सरोज देवी ने बेसिकली उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तरह। आपको पता है नीरज और अरशद की बड़ी दोस्ती है, ठीक ठाक किस्म की दोस्ती है, मतलब ऐसी लेवल की दोस्ती है कि जैसे आपकी अपने दोस्तों के साथ होती है, इन दोनों की इस किस्म की दोस्ती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो हुई थी ना, जिसमें सिल्वर जीता था अरशद ने और नीरज ने गोल्ड जीता था, तो उस टाइम पर भी सरोज देवी से पूछा गया था जी कि कैसा महसूस हो रहा है आपके बेटे ने एक पाकिस्तानी को हराया। तो नीरज की माँ ने, ये सरोज देवी ने पता है क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो बकवास है ना ये ना करें, खेल में कोई नहीं होता, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बेटा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, इसको इधर तक रहने दें, ये राइवल नहीं ना बनाएं कि उसने पाकिस्तानी को हरा दिया, पाकिस्तानी ने इंडियन को हरा दिया, ये वो कल्चर। इस औरत ने तब भी मीडिया को शट अप कॉल दी थी। कम्स 2021 का ओलंपिक्स, वो सुने स्टोरी 2021 के ओलंपिक्स में क्या हुआ। अरशद जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे थे नीरज के स्पीयर से, नीरज का जो जेवलिन है ना उससे, उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। उस पर कंट्रोवर्सी ये खड़ी हुई कि ये अरशद जो है ये गलत कर रहा है, इसने जिसे कहते हैं ना नीरज की जो जेवलिन है उसको टेंपर करने की कोशिश की है ताकि नीरज जो है वो इससे बेहतर ना परफॉर्म कर सके। अरशद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे, इंडियन मीडिया ने ये इल्ज़ाम सारे उठाए, कम्स नीरज चोपड़ा, और नीरज ने आकर सबको शट अप कॉल किया दी। उसने कहा जी कि अरशद ने कुछ गलत नहीं किया, अरशद मेरी स्पीयर वो मेरी जेवलिन से अगर प्रैक्टिस कर रहा था तो ये विद इन द रूल्स है, एक चीज़। दूसरा, मेरी ज़ात को लेकर किसी किस्म की बकवास ना करें, मैं आप लोगों को मीडिया में इस चीज़ के ऊपर कोई मुद्दा नहीं खड़ा करने दूंगा। ही सेड कि प्लीज़ डोंट यूज़ माई नेम टू पुश योर डर्टी एजेंडा। ये नीरज की स्टेटमेंट थी 2021 के ओलंपिक्स में, ठीक हो गया। तो ये सरकार, ये दोस्ती बहुत पुरानी है, ये आजकल की नहीं बनी हुई, जिन लोगों को नहीं पता ये तो काफ़ी पुरानी चीज़ चल रही है। और ये तो दुनिया जानती है कि नीरज और अरशद आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं, वो तो अब तो आप उसकी माँ की स्टेटमेंट देख लें, वो कह रही है मेरा बेटा है।
सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा है ना, मेंढकों की तरह आगे दुश्मन ही हैं, इनको देखो मार दो या भाई निकलो भैया। दुनिया कहाँ पहुंच गई, दुनिया चांद से निकल कर मरीख पर निकलने के चक्करों में है, आप उस नफरत के जिसे कहते हैं कुएं से बाहर नहीं निकल रहे। भैया जाने दो, मैं आपको बताऊं, इतने वो जिसे कहते हैं इंडियन फैंस हैं कि जो अरशद की तारीफ़ कर रहे हैं, ये कोई ऊपर से तो नहीं बारे दुए हैं, इसी ज़मीन में पले बड़े हैं, बस नफरत को नहीं मानते। आप भी मत माने, सरोज देवी ने एज ए मदर स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई, कि यार वो जिसे हम लोग हमारी बेल्ट में कहते हैं ना, पंजाबियों को समझ आएगी इन पर्टिकुलर सिखों को, वो कहते हैं माएँ सांझी होती हैं, वो बहनें सांझी होती हैं, वो बेटियां सांझी होती हैं। सर ये वो कल्चर है, हरियाणा डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट ब्रीड है, डिफरेंट एरिया है, लेकिन वो ये देख लें कि ये जो कल्चरल कुछ चीज़ें हैं ना वो सेम है। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कभी दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। इस तरह की चीज़ों से सीखें, आपके अंदर की नफरतें कम होंगी। मैं नीरज चोपड़ा की मम्मी जी को आई लव यू बोल सकता हूँ, यकीन करें मम्मी जी, आपने ना हम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं, आपकी क्या बात है, आपको ना लव यू हो गया, और आपके बेटे को बहुत मुबारक हो, वो सिल्वर जीता। अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा ज़रा आउट ऑफ प्लेस नज़र आया नीरज आज, बट फाइन विद इट। उसने अपना सिल्वर मेडल पोडियम के ऊपर तो वो भी खड़ा था ना, तो वो जो मेरे इंडियन दोस्त चाहते थे कि भैया हमें विनिंग पोडियम के ऊपर पाकिस्तानी और इंडियन एथलीट चाहिए, हम सबका जो ख्वाब है ना, जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। गोल्ड अरशद ने जीता, सिल्वर नीरज ने जीता, सारे खुश हैं, अल्लाह ला ते खैर सल्ला। बाकी अगर इसमें किसी ने लड़ना है, कोई जिसे कहते हैं कोई गंद शंद निकालना है, निकालो, जाओ फिर कहीं आगे पीछे, हम तो नहीं लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।